हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और मैं आ जाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है बारेन पार्क, जो कि तमिलनाडु के कोडैकनाल नामक एक हिल स्टेशन है, वहाँ ये है। यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग हुई है, ये तो अभी एंट्री है, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये है पहले येलो कलर में पेरुबियन लिली। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूरे यहाँ से एंट्री हमने की है। और इधर देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, बहुत वैरायटी के। तो मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे डैंथस के फ्लावर्स बहुत सारे कलर में हैं और बहुत वैरायटी के यहाँ फ्लावर्स दिख रहे हैं, जो लेयर के रूप में लगाए गए हैं। वो देखिए डॉल्फिनियम है पर्पल कलर में। और यहाँ देखिए ये बारेन पार्क लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ देखिए वॉन्डरिंग जू लगे हुए हैं इधर शेप में, 100 प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पार्क को डेकोरेट किया गया है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे बहुत कुछ दिखने वाला है, तो चलते हैं फिर आगे। यहाँ देखिए, यहाँ वाइट कलर में पेरुबियन लिली है, उधर येल्लो था, और सालविया रेड कलर का बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों को बॉर्डर के रूप में लगाया गया है। इधर देखिए यहाँ गेंदा था, और घर सामने देखिए एक नर्सरी दिखाई देती है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है नर्सरी में। तो यहाँ देखिए नर्सरी में मैं आई हूँ, तो यहाँ कुछ खास प्लांट मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही लैगी से दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ यहाँ पे 100 प्लांट्स है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, और इधर तो कुछ कटिंग्स है जो तो पता भी नहीं चल रही है कि किस चीज़ की कटिंग है। और इधर देखिए कहीं हिबिस्कस है तो कहीं और फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहे कि कौन से प्लांट हैं। और इधर देखिए 100 प्लांट्स हैं, ग्रास प्लांट हैं, और इधर देखिए बहुत सारे कलर में जो बाउंड्री बनाने के काम में 100 प्लांट्स आते हैं वो हैं। और इधर देखिए हिबिस्कस की कटिंग लगी है जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके की ये नर्सरी है, मुझे कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया। अब देखते हैं, हम एक पार्क में आए हैं। और इधर देखिए ये है हाइड्रेजिया के प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको देखिए दूर तक लगाए गए हैं। और इन सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, वाइट कलर में है, कुछ येलो कलर में है। और इधर देखिए कुछ प्लांट लगे हैं जिस पे इनका नाम भी लिखा हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर के रूप में बनाए गए हैं। मौसम देखिए आपको कुहासे जैसा नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसी तरीके का मौसम हुआ है अभी फ़िलहाल। और यहाँ देखिए रोज़ेस भी हैं, वैसे तो रोज़ गार्डन मैंने कोडैकनाल का आपको दिखाया है, वो भी बहुत सुंदर है, वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए यहाँ भी रोज़ेस हैं, बॉर्डर बनाए गए हैं। ये देखिए पॉट मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, ये 2-3 कलर में यहाँ पे हैं, कुछ वाइट है, कुछ ऑरेंज है। और इधर देखिए चिल्ड्रेन पार्क है, और किनारे किनारे इस तरीके के सीढ़ियों पे लगाए गए हैं। ये देखिए रेड कलर के पेरुबियन लिली है, देखिए कुहासे की वजह से यह और खूबसूरत नज़ारा लग रहा है मुझे कि कुहासे में ये मल्टी कलर पेरुबियन लिली है यहाँ पे। और ये देखिए फिर से इधर हम चिल्ड्रेन पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर देखिए कुछ यहाँ भी फ्लावर्स लगे हैं, अफ्रीकन लिली प्लांट है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और आगे देखिए सालविया का पौधा है जिसमें बहुत अच्छे रेड कलर के फ्लावर आए हुए हैं, और ऐसे ही चारों तरफ ग्रीनरी है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ हम थोड़ी ऊंचाई पे आ गए हैं सीढ़ियों से चल के। तो ये देखिए नीचे कैसा वो गार्डन दिख रहा है, और दूर से देखिए वो आपको हाइड्रेजिया के प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्लावरिंग दिख रही है। ये रेड कलर का सालविया भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारे सालविया के पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है रेड कलर। वैसे तो ये भी बहुत सारे कलर में आता है, लेकिन ये रेड कलर यहाँ पर फ़िलहाल लगा हुआ है, और दूर तक सालविया ही है। Thank you.
देखिए सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, तो शायद ऊपर जाना अलाउ है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आगे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देखिए बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, और यहाँ अंदर जाते ही यहाँ देखिए यहाँ भी सालविया के ही प्लांट लगे हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं और बहुत सारे कलर में हैं। और आगे देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर चारों तरफ डिज़ाइंस बनी हुई हैं और कुछ लिखा गया है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो इस तरीके से हम नीचे आ चुके हैं, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर और जाने का रास्ता नहीं है। इधर देखिए इधर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, और दूसरी साइड देखिए बहुत सारे इंग्लिश लेवे लगे हुए हैं, वेरीगेटेड वाले, नॉन वेरीगेटेड वाले, छोटे वाले, बड़े वाले, तीन तीन वैरायटीज़ के यहाँ इंग्लिश लेवे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और नीचे देखिए नीचे सालविया है, पेरिग्रिन लिली है, हाइड्रेजिया है, तो अब नीचे भी हम उतर रहे हैं, और इधर किनारे भी देखिए हाइड्रेजिया लगे हुए हैं, और इधर देखिए नीचे आने पे भी बहुत सारे बॉर्डर बना के यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं। यह है सेलोसिया का प्लांट जिसे कॉक्सकॉम भी बोलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देखिए सर्किल में बहुत सारे मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे कलर में भी हैं, और डेंथस भी हैं बीच में। उधर देखिए इधर भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है, और इधर देखिए ऑरेंज कलर में आपको पेरिबियन लिली दिख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग किए हुए हैं। इधर भी देखिए राउंड शेप में बहुत सारे प्लांट मिक्स करके लगाए गए हैं, इधर पेंजी का फ्लावर भी है और पॉट मैरीगोल्ड भी है और बीच में पिटूनियाज भी है, और इधर देखिए फिर से हाइड्रेजिया के प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक हाउस दिखाई दे रहा है, तो उसमें जाके देखते हैं कि उसमें क्या है। इधर बहुत सारे किनारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, और अंदर देखते हैं, दूर से तो प्लांट्स ही अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है, मैरीगोल्ड है, उसकी बहुत सारी वैरायटी है, डेंथस है, और इधर सकुलेंट वैरायटी के बहुत सारे प्लांट है, उधर बिगोनियाज भी है, और बहुत सारे कलर में भी यहाँ अवेलेबल है। और अंदर देखते हैं इधर कलांचो के प्लांट्स लगे हुए हैं, और देखते हैं कि और भी क्या है, फर्न्स है, और कुछ इधर सकुलेंट्स भी हैं, और बहुत सारे बिगोनियाज भी हैं, और इधर भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगे हैं। इधर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसका नाम मुझे पता नहीं। हाँ देखिए सकुलेंट का नीचे डिज़ाइन जैसा ऐसे बनाया गया है, बहुत सारे सकुलेंट लगाए गए हैं। इधर देखिए इधर भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है। ये परचेज़ करने के लिए नहीं है, ये बस शो के लिए रखा गया है, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ऊपर हैंगिंग भी है। और इधर देखिए सालविया के बहुत सारे कलर में यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं। वैसे तो रेड कलर में सालविया आपने बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डार्क पर्पल, वाइट, और कुछ वेरिएशन में भी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये ब्लॉक। इधर देखिए बिगोनियाज जैसे लग रहे हैं, इधर भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है, इस साइड भी है, दोनों साइड बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इधर देखिए बहुत सारे सकुलेंट को इस मोज स्टिक पे लगाया गया है, और कुछ डिज़ाइन बनाए गए हैं। इधर भी देखिए बहुत सारे लिली के प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर यहाँ पे लग रहे हैं, ऑरेंज कलर है, येलो है, वाइट है, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है इसमें। इधर देखिए मैरीगोल्ड भी है, और बहुत सारे यहाँ फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसका नाम मुझे पता नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं इसी तरीके से। यहाँ देखिए डेंथस के फ्लावर हैं, और इधर देखिए पिटूनियाज भी हैं, और इसके सामने आप देखिए कॉक्सकॉम भी बहुत सारे कलर में हैं, डहालियाज भी बहुत सारे लगे हैं। इधर देखिए बहुत सारे सालविया के भी प्लांट इधर हैं, इधर मैरीगोल्ड के कलर्स हैं, बहुत सारे लाइट येलो में भी है और ऑरेंज में भी है। इधर देखिए पूरा आपको ये नर्सरी दिखा रही हूँ, वैसे ये नर्सरी ख़रीदने के लिए नहीं है, बस देखने के लिए है। तो उस नर्सरी से हम निकल चुके हैं, और ऊपर से देखिए ये कैसा दिख रहा है पूरा पार्क। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए सालविया के रेड कलर के फ्लावर यहाँ भी बहुत सारे खिले हुए हैं, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है।
फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ एक ग्लास हाउस है पर ये बंद हो चुका है। 5 बजे तक ही इसकी एंट्री थी और मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। अंदर देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, पिटूनियाज दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम ग्लास हाउस नहीं देख पाए। और इधर देखिए, ऊपर से ये गार्डन इस तरीके का दिख रहा है, ये दूसरी साइड है, हम इस साइड से इंटर नहीं किए थे। अब इधर से हम एग्ज़िट करेंगे तो मैं आपको नीचे ले चलूँगी और दिखाऊँगी सारे प्लांट्स। तो बहुत ही खूबसूरत है ये गार्डन, बहुत ही मज़ा आया इस गार्डन में। और देखते हैं कि और नीचे क्या है। आगे देखने पे रेड कलर में बहुत सारे साल्विया के पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और इसके जस्ट बगल में पेरुवियन लिली देखिए लगाया गया है, जो कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इधर देखिए लॉयन है सो प्लांट का बना हुआ। और इधर हम और नीचे जाते हैं तो इधर भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कलरफुल ये एरिया है। इधर देखिए पेंजी के फ्लावर है, डेंथस के फ्लावर है, और भी बहुत सारे आगे चलने पे फ्लावर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये पार्क बहुत ही सजाया हुआ है। तो आप कभी कोड़ैकनाल आते हैं तो ये पार्क ज़रूर घूमिए, ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और यहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ मौसम भी देखिए काफ़ी ठंडा है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये बादल नीचे आए हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे बसी हुई जगह है। तो फ्रेंड्स, आपको ये गार्डन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को पा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।